Write and explain a string function for converting string to number and number to string. ऐसा कुछ आ गया तो तुम्हारा चांदी है. ऐसा कुछ आ गया तो तुम्हारा चांदी है, ठीक है ना. Write a program to convert a string to number and number to string, ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या किया है, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या किया है, प्रॉम्प्ट लिया है जिसके अंदर ए का वैल्यू डाला. ये ईजी डॉट कोलन के डाल के वेयर है, नहीं तो बच्चे ऐसे लिखेंगे, तो वेयर है वो, ठीक है ना. इसको कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन कौन सा है. देखो, अगर नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन है, पार्सेंट. अगर डबल में कन्वर्ट करना है तो पार्स डबल. फ्लोट में करना है तो ये लिख के लो. अगर कोई भी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो क्या है, पार्स इंट. पार्स का पी क्या रहना चाहिए, इंट का आई क्या रहना चाहिए, डबल के लिए क्या रहेगा, पार्स डबल. फ्लोट के लिए क्या रहेगा, पार्स फ्लोट. अभी पहली बात तो ये जो वैल्यू आता है, एंटर अ नंबर वाला जो वैल्यू आता है वो स्ट्रिंग में आता है, इसलिए कन्वर्ट करना है, नहीं तो करने का जरूरत नहीं है. समझा क्या. ये जो वैल्यू लेते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट से, वो कौन से फॉर्मेट में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. प्रॉम्प्ट भी लिख के लो, ये भी लिख के लो, और उसमें मार्क करो कि प्रॉम्प्ट का सिंटैक्स ये है. यहाँ पे दो प्रोग्राम हो जाएगा तुम्हारा, प्रॉम्प्ट का भी हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा, कन्वर्जन का भी हो जाएगा. तो ये दो लाइन लिख के लो, ये मत लिखो, ये वाला लिखो. टाइप ऑफ क्या देता है, तो ये भी लिखो, वहां पे मार्क करो टाइप ऑफ क्या देता है. ये क्वेश्चन दो मार्क्स के लिए आते हैं, एक्सप्लेन टाइप ऑफ, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट, ये क्वेश्चन दो मार्क्स के लिए आते हैं. अलर्ट, विंडो स्टेटस, ये सब दो मार्क्स के लिए आते हैं. प्रॉम्प्ट आता है, अलर्ट आता है, विंडो स्टेटस आता है, दो मार्क्स के लिए आते हैं. टाइप ऑफ आता है, इंस्टेंस ऑफ आता है, ये सब क्वेश्चन दो मार्क्स के लिए आते हैं. विंडो डॉट स्टेटस बताऊंगा ना, विंडो डॉट स्टेटस नहीं पता. विंडो डॉट स्टेटस किसके लिए यूज होता है, स्टेटस बार में कुछ भी करने के लिए. लिखा क्या बच्चों, तो चाहिए तो एक क्वेश्चन लिखो जिसके अंदर तीन क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट अलर्ट विंडोज डॉट स्टेटस, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट अलर्ट विंडोज डॉट स्टेटस, टाइप ऑफ इंस्टेंस ऑफ दिस भी आता है, टाइप ऑफ इंस्टेंस ऑफ दिस, कंफर्म भी आता है. नहीं सीरियसली, ये सब आते क्वेश्चंस, दो मार्क्स के लिए आते. तो क्या क्या लिखा, प्रॉम्प्ट अलर्ट विंडोज डॉट स्टेटस, टाइप ऑफ इंस्टेंस ऑफ, और क्या, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट किसका, नहीं वो तो करेंगे, ये डिफाइन जैसा आता है, ये सब जो क्वेश्चंस है वो डिफाइन जैसे आता है. नहीं, टाइप ऑफ एक प्रॉपर्टी रहेगा रे, तो मेथड नहीं है ये, फिर भी कंफर्म करता हूं, रुको मैं, ऑफ स्मॉल में ही है, समझा ना. ये फंक्शन नहीं है, टाइप ऑफ क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी है, इसलिए टाइप ऑफ के बाद में ए लिखा है. तो क्या देगा वो, ए का टाइप, क्या देगा वो, टाइप ऑफ बी लिखा तो क्या देगा वो, बी का टाइप, समझा ना. ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या है फंक्शन, इंस्टेंस ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं है, वो भी ये है, प्रॉपर्टी है, दिखा दो. इंस्टेंस ऑफ भी प्रॉपर्टी है, इंस्टेंस ऑफ क्या देता है, मैंने इंस्टेंस ऑफ लिखा, ए लिखा, और ए मेरा समझो ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो क्या देगा वो, ह्यूमन, समझा क्या. मैंने इंस्टेंस ऑफ ए लिखा और ए जो है मेरा अरे का ऑब्जेक्ट है, तो क्या देगा वो, अरे, पता नहीं है, वो भी छोटा है, इंस्टेंस ऑफ में भी वो छोटा है. सुनो, इंस्टेंस ऑफ कैसे लिखते हैं पता है क्या, मैंने जैसा बोला वैसे नहीं लिखते. कैसे लिखते इंस्टेंस ऑफ ट्रू या फॉल्स देता है, तो कैसे लिखना पड़ता है, जैसे यहां पे देखो,
अभी ये जो वैल्यू है ये कौन से टाइप का है, ये जो ए वैल्यू है ये यहां पे कौन से टाइप का है, स्ट्रिंग। तो मैंने अगर ऐसा लिखा, मैंने ऐसा लिखा ए, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिखा ए, फिर मैंने लिखा इंस्टेंस ऑफ, फिर ब्रैकेट में मैंने आगे लिखा स्ट्रिंग करके, तो क्या देगा ये, ट्रू नहीं तो फॉल्स, क्या देगा ये, ट्रू नहीं तो फॉल्स। ये सेम स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा, इसके बाद पार्सिंट के बाद लिखा, तो क्या देगा वो, फॉल्स देगा। पार्सिंट के बाद लिखा तो क्या देगा, फॉल्स। पार्सिंट के ऊपर लिखा तो क्या देगा, ट्रू। समझा क्या? तो इंस्टेंस ऑफ ऐसे लिखते, ए इंस्टेंस ऑफ जो टाइप है वो, डॉट बिट कुछ नहीं, ए स्पेस इंस्टेंस ऑफ स्पेस वैल्यू का नाम, ऐसा ही है, लिख लो ये चाहिए तो। डेटा टाइप, डेटा टाइप जो भी डेटा टाइप है लिख के लो बच्चों, सेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा। समझाना ये, समझा क्या ये इंस्टेंस ऑफ, समझा क्या सबको? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो मार्क्स के लिए आ सकता है, इंस्टेंस ऑफ, टाइप ऑफ, और ये जो डाला मैंने अलर्ट प्रॉम्प्ट, ये सब दो मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। आगे बढ़ते क्या बच्चों, टू स्ट्रिंग लिखा क्या, टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग रिटर्न्स अ नंबर एज टू स्ट्रिंग लिखा क्या, टू स्ट्रिंग क्या करने का काम आता है, किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, खाली नंबर को ही नहीं, किसी भी चीज को किस में कन्वर्ट करता है वो, स्ट्रिंग में करता है। कैसे करते हैं वो, ये एक लाइन लिख के लो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन लिख के लो, दो लाइन टू स्ट्रिंग करके लिखो और ये दो लाइन लिख के लो, टेक्स्ट को प्रिंट करना चाहिए था, बेवकूफ है ये, नम को प्रिंट करके वो स्ट्रिंग में प्रिंट ही नहीं होगा, नंबर में ही प्रिंट होगा, वहां फर्क नहीं पड़ता ना, आउटपुट तो वही आएगा, आउटपुट चेंज होगा क्या, फर्क नहीं पड़ता, समझेगा भी नहीं किसी को।